अब हम कमर दर्द के लिए एक और आसन करने जा रहे हैं जिसका नाम है भुजंग आसन, जो कि आपकी कमर के लिए, उसकी फ्लैक्सीबिलिटी के लिए, बेंडिंग के लिए बहुत ही अच्छा आसन है और इसको कमर दर्द वाले भी अपने उसके अंदर कर सकते हैं। अगर आपको हल्का कमर दर्द है उसमें भी आपको ये रिलीफ देगा। आप अपने सबसे पहले अपने हथेलियों को नीचे लगाते हुए अपने सिर्फ एल्बोज को बेंड रखिएगा और धीरे धीरे अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे सांस लेते हुए। इसको आप 3 से 5 सेकंड तक होल्ड करिए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाइए। इसके बाद अपने हाथ, दोनों हाथों को अपने चेस्ट के लेवल में रखेंगे और सांस लेते हुए वापस से अपनी कमर को धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और अपनी कमर को पूरी लेंगे। इसको समझते हुए जितना आप करें धीरे धीरे आप उसको ऊपर लेकर जाएंगे और ऊपर ले जाने के बाद अपनी गर्दन से ऊपर देखेंगे, पीछे से पैर आपके मिले होंगे, पूरा आपके टेलबोन से आपकी बेंडिंग होगी और इसको 5 से 10 सेकंड आप होल्ड कर सकते हैं और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। और होल्डिंग के टाइम आपको कहीं पर भी सांस रोक कर नहीं रखना है, सिर्फ ऊपर जाते हुए आपको सांस लेना है और होल्ड आप बिल्कुल नॉर्मल ब्रेथ में रख सकते हैं। तो कहीं पर भी आपको सांस नहीं रोकना, आप आराम से सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं और नीचे आते हुए सांस छोड़ते हुए बहुत ही धीरे धीरे अपनी कमर को नीचे रख दीजिए। और एक इसका तीसरा वेरिएशन जो हम करते हैं, बिल्कुल अपने चेस्ट के सामने दोनों हाथों को लगाइए और फिर से सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे। अब इसके अंदर आपकी कोहनियां बिल्कुल सीधी हो जाएंगी। आपकी गर्दन पर पूरा प्रेशर आ रहा है, आपकी बैक पर और इसमें आपकी लेग बिल्कुल स्ट्रेट, तो आपके पैर के पंजे से लेते हुए कंप्लीट आपके हेड तक बहुत ही शानदार स्ट्रेच है, कंप्लीट आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा आसन, सिंपलेस्ट एंड द इफेक्टिव आसन भुजंग आसन। और इसके बाद बहुत ही आराम से अपने शरीर को 2-3 सेकंड के लिए ढीला छोड़ देंगे।